निकलने तैयार हो चुके हैं, रेडी गाड़ी जो है रेडी हो चुकी है। और जम्मा जो है हमारे साथ का ही बंदा है, लोकल बंदा है, उमानी है, तो वो मेरे को मस्कट लेके जाने वाला है, कंपनी का बंदा है, तो मेरे को जो है मस्कट में मेरे साथ चलेगा। हाँ जम्मा, तो ये जुम्मा है दोस्तों मेरे साथ आज मस्कट जाने वाला, मेरे को मस्कट लेके जाने वाला है, इंशाल्लाह में मेरे को लेके जाने वाला है। रेडी हो चुके हैं, हालांकि आज थोड़ा धूप बहुत ज्यादा है और सुबह की बज रही है, अभी 9:30 बज रहा है और धूप जो है काफी तेज हो चुकी है। कल थोड़ा थोड़ा बारिश हो गया था, लेकिन फिर भी आज मौसम जो है काफी गर्म है, काफी हॉट है, तो बादल उधर साइड लगे हुए हैं, बारिश मेरी बारिश मस्कट जाते हुए रास्ते में हमें आएगी, बारिश मिल सकती है ना। आएगी बारिश बारिश की कुल्लू o'clock एगी चेंज क्लाइम, 2 o'clock ऑटोमेटिक चेंज क्लाइम, टुडे मस्कट वेन मत मालूम। जुम्मा का भी सीट बेल्ट जो है लगा चुका है और हम सीट बेल्ट अन अरबी हेयर आयो सलक सीट सीट बराबर असर रियल अच्छा रियल बादिन भाई भाई। ओमान में जो है ट्रैफिक रूल काफी एक सुरता वाला सामने ही है, बैंक का पुलिस वाला सामने ही है, वो देखा वैसे ही सीट बेल्ट लगा दिया। तो यहाँ पे जो है फैन बड़ा तकड़ा है, अगर आपको आपको 10 रियाल का जो है फाइन लगने वाला है, तो आप जब भी ओमान में आओ या ओमान में ड्राइविंग करो तो भाई ट्रैफिक रूल तो हर जगह फॉलो करना चाहिए, ये आपकी सेफ्टी की बात है, तो लेकिन ओमान में तो 100% आप फॉलो करो, वरना आपका जेब खाली होने वाली है, तो 100% केम जुमा सा बराबर भाई यार जुमा जो है हमारा बहुत टैलेंट बंदा है, तो काफ़ी काम मल्टीपल काम करता रहता है, एक तो हमारे साथ जॉब भी करता ही है, साथ साथ में जो है ड्राइविंग लाइसेंस भी इशू कराता है, तो ये ड्राइविंग लाइसेंस का टीचर है सर। अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए ओमान में तो आप जुम्मा से संपर्क कर सकते हो सर। बाबा 300 माफ़ी ज़्यादा कलाम ले ज़्यादा नमूना भाई, आप समझ रहे हो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ही 300 रियाल बोल रहा है भाई बंदा, 300 रियाल मालूम है 300 रियाल कितना होता है, 70-80 हज़ार रुपये हो जाता है भाई साहब इंडिया का, उतने में तो गाड़ी आ जाती है इंडिया में, इतने के लिए सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस दिलाने का बात कर रहा है, ज़्यादा खुलूस इन तहसील में साहब ले ज़्यादा नाम आती डिस्काउंट। तो आपको अगर ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो जुम्मा हमारे साथ है, ये आपको ड्राइविंग लाइसेंस दिलाने वाला है, अगर आप ओमान में है व अगर आप ओमान में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो जुम्मा भाई से संपर्क कर सकते हो, ये जो आपको ड्राइविंग लाइसेंस परफेक्ट केम केम सना रहे भाई सना वाला ड्राइविंग लाइसेंस अरबा शहर शहर मतलब होता है मंथ और सना होता है ईयर, तो अरबा शहर मतलब 4 महीने में आपको ड्राइविंग लाइसेंस दिला देगा और उसका बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है, उसके लिए मैं अलग कभी वीडियो टाइम मिलेगा तो आपको वीडियो बनाऊंगा, मैं बताऊंगा उसके बारे में कि कैसे कैसे जो है ओमान में ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है सर। जुमा जय आप अगर आपको भी ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, देखो ड्राइविंग लाइसेंस इधर काफ़ी महंगा है, लेकिन ड्राइविंग में काफ़ी स्कोप है, इधर काफ़ी अच्छा जॉब मतलब ड्राइविंग में अगर आप जॉब करना चाहते हो तो काफ़ी अच्छा है, जॉब इजीली मिल जाती है और ठीक ठाक सैलरी आपको 250-300 रियाल तक आपको मंथली आपको मिल जाएगी, अगर आप ओमान में ड्राइविंग के अगर जॉब ट्रेवल करना चाहते हो तो ये स्कोप है, थोड़ा ठीक ठाक सैलरी जो है ड्राइविंग में अच्छा हो जाता है। अगर क्या मदद कला मतलब घंटा घर इन इन हिंदी प्लेस कला मदद क्लॉक टावर अरबी प्लेस कला दुवार तो इधर रिचार्ज कुछ ऐसा मिलता है मोबाइल का नवरस कार्ड बोलते हैं रिचार्ज के लिए, इधर तो ये है इधर रिचार्ज जो है आपको पेट्रोल पंप पे ही मिलेगा या फिर मार्केट में सुपर मार्केट में ही मिलता है, नहीं तो आपको इधर पेट्रोल पंप में आपको सेल पेट्रोल पंप में आपको मिल जाएगा, ऐसा कुछ कार्ड होता है मोबाइल का रिचार्ज, इसको हम रिचार्ज कूपन बोलते हैं,
तो इधर अभी भी कूपन वाला सिस्टम ज़्यादा चलता है, बट लेकिन वो जो है पेट्रोल पंप या फिर सुपर मार्केट में ही मिलता है और ऐसा मिलता है। हमारे इंडिया की तरह वो खुरचने वाला रिचार्ज कम मिलता है, नवरस कार्ड इसको रिचार्ज को बोलते हैं अरबी में। मस्कट से और सूर आते आते आपको काफ़ी सारी जो है वादियाँ मिल जाएंगी, कुरियात मिल जाएगा आपको, कुरियात में भी काफ़ी कुछ चीज़ खास है घूमने के लिए, वादी टीवी, वादी बिन खालिद, वादी अलसी, काफ़ी कुछ है देखने को इस सूर से मस्कट आने के लिए। और ये इधर सामने ही है बीच है, उसके जो मैं सूर मही तेरे टकले पे less مشكل ما في كونكتين كونكتين واحد هي واحد ما هي كونكت ايوه هذا مثال واحد ريال اعطي ما هي كي برابر اعطي 10 ريال اعطي 20 ريال هي كي برابر بعد ما ريال دوستو कुरियात में जो है पहुंच ही गए हूं, लगभग कुरियात तक पहुंच गए और काफी टाइम लगा दिया मैंने यार, 11:30 हो गए, एक घंटा से ऊपर, डेढ़ घंटा से ऊपर लगा दिया और यार पहुँचने में जुर्माने और पहुँचने वाले हैं मस्कट, कम से कम एक घंटे का और रास्ता है। कुरियात का थोड़ा नज़ारा दिखाता हूँ, चिप्स माल आदम यहाँ पे, ये वादी है कुरियात का, वादी बिन खालिद मिन्नी वाला आवल, वादी बिन खालिद खालिद, वादी बिन खालिद वादी बिन खालिद बाबा मिन्नक मिन्नक खलास मिन्नक सेम सेम विधि है मैंने माइक वाज में खाल इसको क्या बोलते लेस कलाम बता क्या किम्बे किम्मे किम्मे कॉफी 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 हाँ लेस कॉफी कॉफी अकल कॉफी ना ना खराब सिंगबारी कॉफी 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 कैसा लग रहा है ये हमारी ट्रेडिशनल कैप है तो ये जो इनका कपड़ा इसको लेस कलाम था इदाशा अरबी इदाशा अयो इदाशा यानी 11 मावी 11 इदाशा मावी इदाशा अयो डी डी इदाशा बोलते हैं अयो डी कंदूरा माफी कला कंदूरा इमाराती ओके कंदूरा जो है अमराती होता है और इसका ला कंदूरा गल्फ कंदूरा मिशन गल्फ हां कंदूरा द इमारात कतर सऊदी कलाम कंदूरा ओके ओमान कलाम इदाशा इदाशा ओमान में इसको इदाश बोलते हैं और हर जगह इसको इदाश नाम से दिखाते हैं। मक्का हाइपर मार्केट आजा मक्का कबीर मिनक सर मक्का हाइपर मार्केट ओमान में बहुत जगह है यार, तो इसकी काफ़ी बड़ी चैन है, ये सुपर मार्केट है, काफ़ी बड़ा सुपर मार्केट है, ऑफर अच्छे लगे रहते हैं मक्का मार्केट। वेयर पिज्जा हट मिन्ना अगला हाँ पिज्जा हट मिन्ना हाँ मालूम तानी केएफसी सब एक ही जगह पे कंपटीशन चल रहा है सबका। आप यह है अपना ऑफिस KR ऑफिस एंड पासपोर्ट जो है हाथ में आ चुका है, कैश भी आ चुका है, अभी चलते हैं, टिकट बाकी है तो अभी लंच टाइम चल रहा है तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बट फिलहाल यह है इधर का व्यू।
diamonds, baby. I take you to the back of the room, now tell me how you feel. She's so bad, she just wanna fucking smoke and pop. तो अभी पासपोर्ट भी आ गया हाथ में और पैसे भी आ गया साथ में, तो निकलते हैं घर के लिए और ऐश करते हैं कुछ एक दो महीना गांव में। पैसा कुछ खास तो नहीं मिला है, बस इतना ही मिला है दोस्तों, और छुट्टी का पैसा मिला है, घर जाने का पैसा मिला है, बोल के दो चार महीने ऐश करो और उसके बाद काम पर लग जाओ दोबारा। एक डेढ़ महीने का छुट्टी है मेरा, डेढ़ महीने का जो है पैसा मिला है। कैफ जुमा बराबर बराबर लेकिन खुलूस वाले अब हम पैसा भी मिल गया, पासपोर्ट भी हाथ में आ गया, हम कुछ खाएंगे पियेंगे, रेस्टोरेंट में जाएंगे और अपने एक दोस्त से काफ़ी टाइम से मिला नहीं हूँ उससे मिलने जाएंगे, तो बात बनती है। चलो फिर मिलते हैं आगे और क्या होता है। अगर लगभग मैं कैलकुलेट किया तो ज़्यादा नहीं 40-45,000 ही मिले हैं इस बार, क्योंकि दो महीने की छुट्टी तो मेरी पूरी नहीं है, तो 1.5 month का ही पैसा मिला है, जितना का छुट्टी उतना ही पैसा मिला है, उससे ज़्यादा पैसा नहीं दिया इन्होंने। भूख तो बहुत तेज़ लग रहा था इसलिए जल्दी से पहले खा लिया, उसके बाद वीडियो बना रहा है। कैफ जुमा जुमा जो है दिजाज खा रहा है और मैं जो है कढ़ाई मटन खा रहा हूँ। ये देखो भाई, इसको बंदे को तो भाई देख के रिफान मटन एक नंबर बनाया है भाई ने। वाली आई है भाई, बारिश बहुत खतरनाक हुई और पूरा ऊपर से पानी बढ़ता जा रहा है। इधर तो बारिश नहीं हो रहा लेकिन और पहाड़ों में उधर बारिश लग रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। कब जमा जैन बराबर बराबर भाई वाह, फिर रोना मारे अरे मिन्नी